सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से है। हमारे हिंदू धर्म में और आपके हिसाब से, माफ करना मैंने आपके हिसाब से बोला, एक्चुअली हमारे हिसाब से ही बोलना चाहिए, लेकिन मुझे एक पंडित ने कंफ्यूज कर दिया है। जाकिर साहब, उन्होंने मुझे बताया कि मुसलमान लोग कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना चाहिए, दूसरा कोई भी काम सीधे पैर या सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए, तो उन मुसलमानों से जाके पूछो कि दिल तो अल्लाह ताला ने लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हाथ नजदीक है दिल के, तो क्यों ना काम लेफ्ट हैंड से किया जाए, राइट से क्यों? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के पहले आपने ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, बाद में इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब मिलेगा तो कबूल करना, मना मत करना। भाई ने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मुसलमान जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। बिल्कुल सही, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है। और हम कुछ भी काम करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं, तो सवाल है कि दिल जब बाएं तरफ है तो आप शुरू बाएं हाथ से क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल। पहला ये कहना चाहता हूँ, सब काम हम सीधे हाथ से नहीं शुरू करते, अच्छे काम सीधे हाथ से, अच्छे काम जो काम, मिसाल के तौर पर हम जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो सीधे पैर से दाखिल होते हैं, मस्जिद के बाहर आते हैं तो लेफ्ट लेग से, हम खाना खाते हैं तो राइट हैंड से, जब हाजत के लिए जाते हैं तो लेफ्ट हैंड से साफ करते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो सवाल था कि लेफ्ट साइड का हार्ट है तो राइट से क्यों करते हैं, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था मुझे सिखाया गया था कि दिमाग जो है ये दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट और राइट। आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी को, तो आपका दिल लेफ्ट साइड पर है और अक्सर इंसानों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज डोमिनेंट। जिस तरीके से लेफ्ट साइड पर दिल है, लेफ्ट ब्रेन और डोमिनेंट है, लेकिन साइंस कहती है कि अपोजिट साइड इज कंट्रोल्ड, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि लेफ्ट डोमिनेंट है जिस साइड पर दिल है, इसीलिए राइट साइड मोर पावरफुल है। तो साइंटिफिकली आप सही हैं, दिल लेफ्ट पे, दिमाग डोमिनेंट लेफ्ट पे है, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, अब बिल्कुल सही कह रहे थे। लेकिन हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब आप शर्ट पहनते हैं तो सीधे हाथ से राइट साइड, निकालते हैं तो लेफ्ट साइड, क्यों? क्योंकि अक्सर जब इंसान, बिकॉज लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट, वो सिर्फ लेफ्ट साइड को ही इस्तेमाल करता है, राइट साइड कम इस्तेमाल होता है। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कुछ काम राइट से करो, कुछ काम लेफ्ट से। जब मैं निकालूंगा मेरी शर्ट तो लेफ्ट पहले निकालूंगा, तो जान बूझ के दैट स्टिमुलेट्स द राइट साइड ऑफ माई ब्रेन, तो दैट कीप्स द ब्रेन हेल्दी। तो अच्छे काम जब आप करेंगे तो सीधे हाथ से करो, सीधे पैर से करो। जब मैं चप्पल पहनूंगा तो सीधा पैर पहले डालूंगा, चप्पल निकालूंगा तो लेफ्ट लेग से पहले निकालूंगा, तो इस तरीके से आई एम स्टिमुलेटिंग बोथ साइड ऑफ माई ब्रेन, आई विल बिकम मोर हेल्दी, आई विल बिकम मोर इंटेलिजेंट। और लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट साइड का ब्रेन, राइट इज मोर डोमिनेंट। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। क्या आपके सवाल का जवाब मिला भाई साहब आपको? अभी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बेशक सर। अपने दिल से? जी सर। और आपके दिमाग से भी? बेशक, दोनों से। कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। कोई माली दबाव? जी नहीं सर। कोई फिजिकल प्रेशर? बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? दिल से सर। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मद अब्दुहू व रसूलु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। आप मुसलमान हो चुके हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा।
और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पर दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपके इल्म में थी ये बात कि अगर दिल जो है वो बाएं साइड पर है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे कामों के लिए दाएं हाथ या दाएं तरफ के अपने जिस्म को इस्तेमाल करने का क्यों कहा? तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे जरूर बताना है। और दोस्तों, ये भी बताना है कि जिस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक्सप्लेन किया है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। सो इसी के साथ अपने दोस्त राव कमर रिजवान को अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।